वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। देखिए आज हम आपको जूते का इतना प्यारा सा डिजाइन बताने वाले हैं। देखिए दो रंग का डिजाइन लिया है मैंने, दो रंग के कलर से बनाया है कुरेशिया से। और ये देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स इसे बनाना भी बहुत आसान है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट जो करेंगे तो सबसे पहले हम 5 चैन बुनेंगे। एक बुन ली है, 2 3 4 5। 5 के बाद देखिए फर्स्ट वाली चैन से हमने इसको जॉइंट करके एक रिंग बना लिया। अब इस रिंग में देखिए हमने 1 2 3 चैन बुनेंगे। और ये देखिए डबल क्रोशिया से बुनेंगे, 1 2 3। तो फ्रेंड्स देखिए डबल क्रोशिया से हमने इस रिंग के अंदर 13 टाइम बुनना है। तो 13 टाइम बुनकर मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने इस रिंग में 13 टाइम यानी 13 बार डबल क्रोशिया से बुन लिया है। अब हम इसे जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमारा फर्स्ट वाला सर्कल तैयार हो गया। अब देखिए यहाँ से सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1 2 3। अब देखिए फ्रेंड्स हमने क्या करना है, अब हमने हर चैन में सेकंड सर्कल यानी सेकंड राउंड में हमें क्या करना है, हर चैन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया से बुनना है। सबसे पहले फ्रेंड्स इस जूते में हमने पंजे बनाने होते हैं आगे के। जैसे ये हमारा बना हुआ है पंजा, पहले हम ये बनाएंगे। तो अब देखिए हमारा सेकंड चल रहा है। तो हम हर चैन में 2 बार बुनेंगे, एक हर चैन में बुनेंगे। तो ये हमारा फ्रेंड्स 26 हो जाएंगे हमारे सर्कल। तो ये सेकंड वाला सर्कल कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट में हमें क्या करना है। फ्रेंड्स सेकंड राउंड भी देखिए हमारा इसमें सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। देखिए फ्रेंड्स मैंने हर चैन में डबल क्रोशिया से 2 बार बुना है। तो ये बड़ा हो गया। अब हम इसे जॉइंट करेंगे। देखिए जॉइंट 1 2 3 यहाँ से करेंगे। देखिए 2 सर्कल भी पूरे हो गए। अब हम थर्ड सर्कल बनाएंगे। देखिए 1 2 3। और अब देखिए फ्रेंड्स हमने क्या करना है, ये देखिए एक चैन में हमने 2 बार बुनना है, फिर एक चैन में हमने 1 बार बुनना है, फिर हमने एक चैन में 2 बार बुनेंगे, फिर हम 1 बार बुनेंगे, फिर एक चैन में हमने 2 बार बुनना है, फिर हमने एक चैन में 1 बार बुनना है। देखिए फ्रेंड्स पहले हमने 1 बार बुना, फिर हमने एक चैन में 2 बार बुना। अब तीसरे वाले राउंड में हमने 1 बार एक चैन में 2 बार बुना, फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। तो इस तरह से मैं थर्ड सर्कल कंप्लीट करके बताती हूँ कि फोर्थ सर्कल में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स हमारा थर्ड वाला सर्कल भी देखिए कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे ज्वाइंट करेंगे। यहाँ सिंगल क्रोशिया से इस तरह से ज्वाइंट कर दीजिए। देखिए थर्ड कंप्लीट हो गया। अब 4 देखिए कैसे बनाएंगे, 3 चैन बुनेंगे, फिर देखिए फ्रेंड्स एक चैन में हमने फ्रेंड्स देखिए अब 2 बार बुनना है। इसके बाद हमने 1 2 चैन में हमने 1 बार, देखिए इसमें 2 बुने, इसमें 1 बुना, इसमें 1 बुना। देखिए फ्रेंड्स हमारे 3 राउंड पूरे हो गए। अब देखिए चौथा राउंड बनाएंगे। तो देखिए ये स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये देखिए 1 2 3 चैन बुनेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स अब हमने ये देखिए एक चैन में 2 बार बुनना है, फिर एक चैन में 1 बार, फिर एक चैन में 1 बार, फिर देखिए एक चैन में 2 बार, यानी कि एक चैन में 2 बार बुनेंगे और 2 चैन में 1 बार बुनेंगे। इस वाले राउंड में देखिए पहले 2 बार, फिर ये सिंगल, फिर ये सिंगल, फिर 2 बार, फिर सिंगल बुनेंगे, फिर सिंगल बुनेंगे, और फिर इस वाले चैन में 2 बार बुनेंगे। तो चौथे राउंड में हम इस तरह बुनेंगे फ्रेंड्स। देखिए 2 बार, एक एक, फिर दो बार, फिर एक एक, फिर दो बार। तो इस तरह से इस राउंड को मैं कंप्लीट कर बताती हूँ कि फिफ्थ में हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए मैंने 4 राउंड की सर्व कंप्लीट कर लिया है। 4 राउंड में देखिए एक में दो, एक चैन में 2 बार बुनिए डबल कुरेशे से, फिर 2 बार सिंगल कुरेशे से, एक एक चैन में फिर 2 बार। तो ये 4 राउंड कंप्लीट हो गया। 5th रो में देखिए क्या करेंगे, यानी 5 राउंड में क्या करेंगे, पहले तो इसे हम जोड़ लेंगे फ्रेंड सिंगल से। इस तरह से 4 कंप्लीट। अब 5 शुरू होगा, देखिए यहाँ से 1 2 3। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपने देखिए आपने हर चैन तरह से हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो गए। अब देखिए 5th रो में क्या करना है, यानी 5 राउंड में देखिए आपने इसमें बहुत इजी है फ्रेंड्स, आपने हर चेन में आपने बस अब डबल क्रोशिया से बुनना है। हर चेन में आप डबल क्रोशिया से बुन दीजिए इस तरह से। तो इस 5th वाली रो को समझिए मैं कंप्लीट करके बताती हूँ कि 6 रो में हमें क्या करना है। तो मैं इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने ये 5 राउंड भी कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए, और लास्ट पर आ गए हैं देखिए। और अब हमने इसको सिंगल क्रोशिया से यहाँ से ज्वाइंट करना है। और देखिए 5 के बाद फ्रेंड्स हमने देखिए 6 राउंड जो है, 6 राउंड भी फ्रेंड्स हमने 3 चैन बुननी है और हर चैन में फ्रेंड्स हमने डबल क्रोशिया से बुनना है। फ्रेंड्स जितने भी कुरेशिया के डिजाइनर जूते होते हैं तो पहले हमें पंजा बनाना पड़ता है इसी तरह 6 राउंड का, फिर उसके बाद ऊपर हम डिजाइन डालते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको 2-3 तरह की डिजाइनर जूते बताऊंगी जिसमें इस तरह से हमें पहले ये पंजा बनाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर हम अलग अलग तरह से डिजाइन डालकर बहुत ही प्यारे प्यारे अपने लिए सॉक्स बना सकते हैं और बनाकर किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैं इस 6 राउंड को कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने 6 राउंड भी देखिए कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसे देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जॉइंट करेंगे इस तरह से। देखिए जब आप करेंगे तो इस तरह से हमारा देखिए ये आगे का जिसे इसमें बना हुआ है ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब हमने ये ग्रीन वाले से इसमें डिजाइन डालना है। आपने जब भी जूते बनाने हो आपको शुरू में स्टार्टिंग में यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, और ऊपर कई तरह के डिजाइन होते हैं वो आप इस पर डाल सकती हैं। फ्रेंड्स अब हम यहाँ से डिजाइन डालेंगे। तो देखिए अब हम दूसरा कलर लगाएंगे, आप अपनी पसंद का कोई सा भी कलर यूज कर सकती हैं। ये देखिए अब आपने देखिए क्या करना है, अब आपने पहले 3 चैन बुननी है। देखिए 1 2 3, 3 चैन बुनने के बाद आपने देखिए इसी में इस तरह से एक चैन में 2 बार बुनना है। फिर इसके बाद देखिए एक चैन छोड़ दीजिए, दूसरी चैन में हमने देखिए एक बार डबल क्रोशिया से, एक चैन में 2 बार डबल क्रोशिया से बुनना है। देखिए इस तरह फिर देखिए एक चैन छोड़ दीजिए, दूसरी चैन में आपने इस तरह से एक बार, फिर इसी चैन में 2 बार बुनेंगे। फिर देखिए एक चैन छोड़ देंगे, दूसरी चैन में डबल क्रोशिया से एक बार, फिर डबल क्रोशिया से 2 बार एक चैन में बुनेंगे। इस तरह एक स्किप करिए सेकंड वाली चैन में इस तरह डबल क्रोशिया से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट करके बता दूं कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। देखिए इस तरह से मैंने इस रो को देखिए कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए। अब फ्रेंड्स देखिए अब हम बिल्कुल लास्ट पर आ गए हैं, तो पहले हम इसे ज्वाइंट करेंगे यहाँ से इस तरह। और अब देखिए फ्रेंड्स अब हमने येलो वाले से बुनना है। तो देखिए पहले 3 चैन बुन लीजिए, 1 2 3। फिर देखिए आपने यहाँ इस तरह से, फिर देखिए आपने क्या करना है फ्रेंड, ये देखिए यहाँ आपने यहाँ देखिए यहाँ आपने बुन लिया दो बार। फिर आपने देखिए एक पर लेना है और ये देखिए यहाँ यहाँ आपने डबल क्रोशिया से एक और दो बार बुनना है। फिर देखिए ये जो जाली है, ये जो देखिए यहाँ आपने बुनना है किनारे पे, इसके अंदर इस तरह से दो बार बुनना है। फिर ये देखिए ये एक स्किप करके सेकंड में हमने फिर से डबल क्रोशिया से बुनना है। फिर देखिए एक स्किप करके सेकंड में हमने डबल क्रोशिया से बुनना है। देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे इसमें मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए मैंने बता दिया यहाँ मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से मुझे ये लाइनें रिपीट करनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 ग्रीन वाली लाइनें बुनकर मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए मैंने इन लाइनों को रिपीट कर लिया है। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 5 बन गई है ग्रीन से और बीच में ये मैंने पीला बुना है। आप देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब हमने देखिए यहाँ से इस तरह से दूसरा कलर लगाना है, इस तरह 3 और 3 के बाद आपने देखिए हर चैन में आपने डबल क्रोशिया से बुनना है इस तरह। देखिए फ्रेंड्स जैसे ये इसमें देखिए यहाँ तक बन गया है। अब हम ये सिंपल सा ही बुनेंगे, सिर्फ डबल क्रोशिया से बुनेंगे। तो देखिए इसकी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें हमने सिंपल ही बुननी है इसकी, इस तरह से डबल क्रोशिया से। तो देखिए यहाँ पे बीच में कितना गैप रखना है मैं आपको बताती हूँ। तो मैं यहाँ से यहाँ तक बुनकर आपको बताती हूँ कि कितना गैप हमें छोड़ना है। मैंने यहाँ से स्टार्ट करा था, देखिए यहाँ से मैंने देखिए डबल क्रोशिया से देखिए इस तरह से हर चैन में एक बार बुनना है। ये देखिए और यहाँ तक आ गए। तो देखिए बीच में कितना गैप छोड़ना है, देखिए 1 2 3 4, ये देखिए हमने 4 छोड़ दिए, ये गैप रखना है। और इसके बाद देखिए अब हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से 1 2 3 चैन बुनेंगे और हर चैन में हमने इस तरह से डबल क्रोशिया से बुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारी दूसरी रो है। यहाँ से इस तरह से फ्रेंड हमने 9 रो बनानी है, जैसे इस जूते में बनी हुई है। ये 9 रो बनाकर बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए मैंने इन लाइनों को रिपीट कर लिया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें रिपीट कर ली। अगर फ्रेंड्स आपका पैर थोड़ा लंबा हो तो आप इसमें 1-2 लाइनें बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये हम अपने हिसाब से बना रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए अब हमने इसको बंद करना है। तो पहले 3 लाइनें हमने किस तरह बुननी है, देखिए 1 2 3 और ये देखिए अभी तो हम डबल क्रोशिया से ही बुनेंगे हर चैन में एक बार। मैंने ये यहाँ से स्टार्टिंग से यहाँ तक बुन लिया है और देखिए इसका बीच का हिस्सा निकालेंगे। ये बीच है यहाँ पर, बिल्कुल बीचों बीच हमने बीचों बीच के 6 फंदे सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, देखिए 6 फंदे हमने सिंगल क्रोशिया से बुन लिए हैं और जैसे मैंने ये लाइन बुनी है डबल क्रोशिया से, अब ये बाकी के सारे फंदे हमने इसी तरह बुनने हैं। ये हमने बीच के 6 फंदों को सिंगल क्रोशिया से बुना है, बाकी साइड वाले सारे फंदे हमने डबल क्रोशिया से बुनने हैं। तो ये बुनकर मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। देखिए सिर्फ मैंने डबल क्रोशिया से हर चैन में बुना है और पलटने के बाद मैंने उसके ऊपर वाली लाइन भी देखिए डबल क्रोशिया से बुन ली है और हम यहाँ तक आ गए हैं जहाँ हमने 6 फंदे सिंगल क्रोशिया से बुने थे। अब देखिए इन फंदों को कैसे बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2 और इन दोनों को इस तरह बुनेंगे। फिर ये देखिए 1 2 फिर इन दोनों को ऐसे बुनेंगे। फिर ये देखिए 1 और 2 इन दोनों को इस तरह बुनेंगे। बीच के फंदे इसी तरह बुने जाएंगे और ये बाकी का सारा फ्रेंड्स हमने डबल क्रोशिया से ही बुनना है। तो मैं ये बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए मैंने इस रो को भी देखिए कंप्लीट कर लिया है और पलटने के बाद मैंने देखिए ऊपर का भी इसी तरह बुन लिया है। और अब बीच के जो 3 फंदे थे इन्हें देखिए, ये जो बीच के फंदे थे इन्हें किस तरह बुनेंगे। ये देखिए आपने ये देखिए पहले 1 2 3 इन तीनों को इस तरह से बुन देंगे। फिर आपने देखिए डबल क्रोशिया से बुनना है इस पूरी रो को। तो पहले फ्रेंड्स 6 फंदों के हमने 6 फंदे बनाए। 6 फंदे बना के फिर हमने 2 2 कर दिए, 3 3 फंदे बनाए, 6 के 3 हो गए। फिर 3 के हमने 1 फंदा बना लिया। तो इस तरह से हमारा पीछे का तैयार हो गया है। और अब देखिए हम इसको डबल क्रोशिया से बाकी का सारा बुन लेंगे और इसे बंद करेंगे। पीछे का देखिए इस तरह तैयार हो गया। अब हम देखिए फ्रेंड्स इसको इस तरह रखेंगे और रखने के बाद फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से देखिए हर चैन पे चैन रखिए और ये इस तरह से आ जाएगा। और अब हम इस तरह से उसको सिलते जाएंगे। देखिए पीछे से इस तरह से तैयार हो गया है हमारा जूता। देखिए कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब इस तरह की हमें जूते पे आउटिंग करनी है। तो देखिए ये आउटिंग हम इस तरह से करेंगे। ये देखिए अब आपने यहाँ से रखना है तीन बुनेंगे और इसके बाद देखिए इस तरह से हमारा ये जो हमारे जूता एकदम तैयार हो चुका है। ये देखिए अब फ्रेंड्स अब हमने इसकी आउटिंग करनी है। जैसे हमने इस जूते पे कर रखी है ये इस तरह से हम इस पे भी करेंगे। ताकि ये देखने में बहुत प्यारे लगे। दो चैन बुनेंगे, एक बन लेंगे इस तरह से, ये देखिए, फिर दो चैन इस तरह से करेंगे, फिर ये देखिए इसमें देखिए एक बन लेंगे और इन तीनों को एक साथ बुन देंगे। फिर देखिए एक बन लेंगे और इन तीनों को एक साथ बुन देंगे। एक में हमने दो बार बुनना है, ये देखिए इस तरह, इस तरह, ये देखिए, ये देखिए। फिर एक बन लीजिए इसमें, देखिए इस तरह एक, ये देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इस पूरे की आउटिंग करके इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। हमारे देखिए शूज तैयार हो गए और बनने के बाद देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी आई है, देखिए कितने अच्छे लगते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।